हेलो हाँ जी हेलो। जी, हमारी जियो कंपनी से बात हो रही है। हाँ जी सर, मैं जियो टावर इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट से वरुण शुक्ला बात कर रहा हूँ, बताइए सर। सर, आपका पेपर में हमने ऐड देखा था कि अपनी खाली जमीन या मकान या प्लॉट पर टावर लगवाएं और लाखों रुपए महीने में कमाएं। जी सर, बिल्कुल सर, हमारी कंपनी की तरफ से ये ऐड लगाया गया है, ऐड दिया गया है। जिन लोग के पास खाली जमीन या प्लॉट है, अगर वो उनके जमीन पे चाहे तो टावर लगवा के सर पैसे कमा सकते हैं सर। बिल्कुल हमारी जी कंपनी की तरफ से ये ऐड लगाया गया है जी उसमें कितनी जमीन रिक्वायर्ड होगी सर? जी सर। जमीन इसमें जो रिक्वायर्ड होगी वो सर होगी 20 बाई 25 फुट चाहिए होगी जी जी सर। तो अगर तो इतनी जमीन आपके पास है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल सर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, हमारे पास जमीन तो है सर, इतनी इससे भी ज़्यादा जमीन है, तो सर इसका क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, इसका प्रोसेस सर मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ सर, ठीक जी है। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर, पूरा नाम आपका क्या होगा? राजवीर सिंह नाम है मेरा। अच्छा, राजवीर सिंह, जी ठीक है सर। आप मतलब आप जहाँ पे रहते हैं सर, वो गांव है या नगर है या फिर कैसा है सर इलाका सर, वो? रूरल एरिया है, गांव तरफ से बिलोंग करते हैं सर, हरदोई जिला हमारा है। अच्छा, हरदोई जिला से बात कर रहे जी हैं, मैं हरदोई जिला से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। एक मैं सर लाइन पर सर, मैं यार चेक कर लेता हूँ हरदोई जिला में सर टावर का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जी, चेक कर लीजिए जरूर। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, मैं यहाँ चेक कर लिया। हरदोई जिला में बिल्कुल सर टावरों की आवश्यकता है, वहाँ पे सर 3,000 टावर लगने हैं। जी बिल्कुल सर, तो आप बिल्कुल सर आपके यहाँ टावर लग जाएगा, कोई इशू नहीं है सर। तो सर इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? सर प्रोसेस देखिए मैं आपको बता दूँ इसमें सर। देखिए, अगर आपकी जमीन सर इसमें सेलेक्ट होती है, जी चुनी आपकी जमीन पे अगर हम लोग टावर लगवाएंगे, तो इसमें सर देखिए सबसे पहले तो आपको 90 लाख रुपया एडवांस मिलेगा जी वन टाइम। जी उसके बाद सर आपको एक नौकरी मिलेगी, जिसमें जी 40,000 रुपये प्रतिमाह होगा, आपके घर जी के किसी एक सदस्य को मिल जाएगा नौकरी जी जी। और टावर लगाने के काम सर ये 3 महीने के अंदर सर पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो सर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जी जी लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत। देखिए सर, इसमें क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले आपकी जमीन का सर लोकेशन देखेंगे, ठीक है। जी लोकेशन के लिए सर आपको पूरा अपना एड्रेस भेजना होगा, और जमीन का जो कागज है सर उसका हमें फोटो खींच के आपको व्हाट्सअप करना होगा हमें, जी ठीक है। ठीक है और सर। साथ में सर अपना बैंक बैंक डिटेल भेजना होगा, बैंक अकाउंट नंबर, जी ठीक है, जिसमें आपका अमाउंट जाएगा, पैसा जी जो एडवांस 90 लाख रुपया होगा वो है, उसी में जाएगा, जी ठीक है सर। तो इतना सारा कुछ आपको भेजना होगा, जी ठीक है। तो जब ये सारा कुछ आप भेज देंगे, हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफिकेशन करने के बाद हमारी टीम आपके घर पे जाएगी, जी ठीक है। जी घर पे जाने के बाद सर हम लोग पूरा देखेंगे आपका जमीन का क्या पूरा मैप है, ठीक है, जी कैसा लोकेशन है, उसके बाद हम लोग कंफर्म करा देंगे। उसके बाद आपको एडवांस पेमेंट दे दिया जाएगा, ठीक जी है। 45 लाख रुपये सर आपको पहले मिल जाएगा, 45 लाख रुपये सर आपको टावर लगने के बाद मिलेगा। जी लेकिन सर देखिए इसमें क्या है, अभी हम लोग आपका वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपका सबसे पहले हम लोग एक रजिस्ट्रेशन सर प्रमाण पत्र बनाएंगे, जी ठीक है। तो जी इस सर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सर आपको यहाँ पे सर 2,528 रुपये सर चाहिए होगा, जी 2,528 रुपये सर आपको जमा करना पड़ेगा सर। सर ये पहले जमा करना पड़ेगा जी क्या? जी ये सर 2,528 रुपये आपको जमा करना होगा सर। पहले जमा करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर आपको एक डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। जी तो रजिस्ट्रेशन का जब हमारे यहाँ से अधिकारी जाएंगे आपकी जमीन पे चेक करने के लिए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा उसको, जी ठीक है। तो सर तभी ये सर आपको रजिस्ट्रेशन एडवांस में चार्ज पैंतालीस हम मतलब पहले नहीं दे सकते, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आप मांग रहे हैं ये आप पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मतलब हमको कंफर्म हो जाए कि हमको पैसा मिलेगा उसका। सर देखिए यार, रजिस्ट्रेशन जब तक हम नहीं करवाएंगे तब तक हमारे अधिकारी सर नहीं जाएंगे ना यहाँ से। तो सर आप हमें 90 लाख देने वाले हैं, उसी में से ले उसी में से काट लीजिएगा। लीजिए ना सर। सर ये कौन सी बात होगी सर, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं सर। देखिए हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे जियो कंपनी में आपका, ठीक जी है। रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सर हम लोग टावर के लिए सर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे ना सर। तो सर हम पैसा जमा भी कर दें तो न सिलेक्ट हुआ तो क्या करेंगे हम? सेलेक्ट सर देखिए अगर नहीं होता है सर आपका, तो सर पूरा पैसा सर आपको रिफंड हो जाएगा। तो तो सर सर आप अपनी जेब से लगा दीजिए इतना 2,500 रुपये, हम उसको आपको डबल देंगे जब आएंगे आप चेकिंग के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कंपनी के सर, ये पॉलिसी में नहीं है, ठीक है सर, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगवाना है तो सर बताइए, आपको 2,500 रुपया जमा करना पड़ेगा, ठीक सर है। पहले जमा करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा सर। सर देखिए आपको इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा सर। देखिए हम लोग न्यूज में दे दिए अपना सर पूरा, आप खुद ही देखिए विज्ञापन दिए हैं, ठीक है, हम लोग अपना जी ऐड दिए हैं न्यूज में, तो सर आपको इतना भरोसा तो करना पड़ेगा ना सर। आपको सर सर डाउट क्यों हो रहा भरोसा है तो कर लेंगे, लेकिन सर इसमें बहुत लोगों को फ्रॉड हो जाता है ना सर। सर? क्या बात कर रहे हैं, फ्रॉड कैसे होता है सर? फ्रॉड नहीं होता है सर, और सर आप ठीक हमारे है। साथ में कर क्या रहे हैं? हेलो, हमारे साथ में सर आप कर क्या रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप?
सर जब आप 90 लाख दे रहे हैं हमें तो उसी में से ले उसी में लीजिए। से काट लीजिए ना सर, ₹2500। आप मान लो हंस रहे हैं, आप मजाक दिन में ले रहे हैं, आप बोल कौन रहे, कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये बताइए पहले। मैंने बता तो इस तरीके से मजाक करें, आपको लगवाना है तो बताइए, नहीं तो टाइम हमारा क्यों बर्बाद करें, और भी लोग लाइन पे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अरे नहीं तो आप किसी दूसरे की मतलब जिंदगी खराब करेंगे, इसमें पैसा आप दूसरे से ले लेंगे। देखिए अगर आपको नहीं लगवाना है तो आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए, ठीक है, जिसको लगवाना है वो बिल्कुल आप पैसा देके अपना काम करवा लेगा, वो अपना पैसा भी ले लेगा, ठीक है। मैं एक सलाह देता हूँ, नहीं मैं सुनो, मैं एक सलाह देता हूँ, ये फ्रॉड करना बंद कर दो। अच्छा, वरना ये सोच नहीं सकते हो क्या करेंगे हम आपका। अच्छा अच्छा, तेरे कहने से मैं अपना काम बंद कर दूं? अरे आप सोचो, फ्रॉड से कितने लोगों की जिंदगी खराब जाती पहले, है भाई। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम मजा ले रहे हो, तुम टाइम मेरा पास कर रहे हो। अच्छा अच्छा, तुम्हारे जैसे डेली आते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सोच लो इसका लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसे थाने में दे देंगे, तुम्हारा पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तब समझोगे तुम लोग फ्रॉड जो करते हो ना। अच्छा अच्छा, तुम दोगे मेरा नंबर थाने में, मेरा वीडियो तुम बना रहे हो, वीडियो बनाना है बंद करो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पूरा यहाँ पे जो मैं फ्रॉड करता हूँ तुम्हारा पूरा फंसा दूंगा, मालूम है तुम्हें। अरे बेटा ये फ्रॉड करना तुम छोड़ दो, ठीक है, वरना इतना लंबे में जाओगे दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। अच्छा अच्छा, मैं जिस सिम कार्ड से बात कर रहा हूँ वो सिम कार्ड भी मेरे नाम पे नहीं है, ठीक है, तुम्हारे से बहुत 75 आते हैं डेली। चलो फोन रखो, बकवास मत करो। फोन तो हम रख ही देंगे, लेकिन ये फ्रॉड करना बंद कर दो तुम। देखिए दोस्तों, कैसे फ्रॉड करते हैं जियो टावर के नाम पे हम और आप लोगों के साथ में। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भोले भाले लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, ये ना फंसें, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जियो सिम के नाम पे फर्जी टावर लगाते हैं और फिर लोगों को लूटते हैं, तो कृपया इसे रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ भी नहीं पड़ता है, ऐसा फ्री होता है। और जो अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना होता है तो कंपनी, जियो कंपनी खुद भेजती है अपने बंदे और यहाँ पर आके वो रजिस्ट्री करते हैं। इसका कोई एडवांस नहीं लगता है और कुछ नहीं लगता है, ये फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। तो इसमें हमारे आप जैसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसमें कोई फंसने ना पाए।